हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या फेडेरिको गायगो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में वापस आएगा या नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़े बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को, मेरा चैनल के सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप सभी जानते होंगे अभी इंडियन फुटबॉल का हालत कितना बुरा चल रहा है। एशियन गेम में इंडियन फुटबॉल को पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहा है और हमें इंडियन फुटबॉल को जितना हो सके प्रमोट करना है, इंडियन फुटबॉल के बारे में हर लोगों को बताना है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए सभी लोगों को, ताकि इंडियन फुटबॉल के बारे में उन सभी लोगों को पता चले, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में पता चले, आईएसएल के बारे में पता चले, इंडियन फुटबॉल किस लेवल पे अभी ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में पता चले। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हर ग्रुपों में शेयर करिए, उन सभी को भी पता चले इंडियन फुटबॉल के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेडेरिको गायगो के बारे में। जी दोस्तों, फेडेरिको गायगो आईएसएल का करियर स्टार्ट किया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की तरफ से। 5 साल नॉर्थ ईस्ट में खेला और उसके बाद इंजरी के वजह से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को छोड़ना पड़ा और उसके बाद मोहन बगान में ज्वाइन हो गया था लास्ट सीजन। और अभी फेडेरिको गायगो मोहन बगान से अपना कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत डिसकंटिन्यू किया है। अभी वो मोहन बगान के तरफ से खेलने वाला नहीं है, आप सभी ये बात समझ लीजिए। उसके बाद बहुत सारा सोर्स के जरिए ये न्यूज़ निकल गया है फेडेरिको गायगो फिर से इंडिया में ही अपना करियर कंटिन्यू करने वाला है, लेकिन किस लीग में किस क्लबों के तरफ से कंटिन्यू करेगा फेडेरिको गायगो, उसके बारे में कोई भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं निकल गया है। लेकिन ये बात 100% कन्फर्म है कि फेडेरिको गायगो फिर से इंडिया में ही अपना करियर को कंटिन्यू करेगा। शायद आईएसएल में भी हो सकता है, आई लीग में भी हो सकता है, इस तरह का किसी भी लीग में फेडेरिको गायगो अपना करियर को इंडिया में ही कंटिन्यू करने वाला है। शायद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में भी हो सकता है, चेन्नई एफसी में भी हो सकता है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास अभी तक कोई अच्छा अटैकिंग मिडफील्डर भी नहीं है, आप सभी जानते होंगे, और चेन्नई एफसी में भी नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फैनों का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि फेडेरिको गायगो फिर से लाया जाए टीम में, बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है ये खिलाड़ी। अपना फैन सभी ने डिमांड कर रहा है कि फेडेरिको गायगो को लेना चाहिए। अभी आप सभी जानते होंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का हालात, सभी फैनों ने प्रोटेस्ट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का परफॉर्मेंस को देखते हुए। और शायद इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी फैन को खुश करने के लिए शायद फेडेरिको गायगो को ले भी अपने टीम में शामिल भी कर सकता है। बहुत पहले ही एक न्यूज़ जरूर निकल गया था कि फेडेरिको गायगो के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी बातचीत चल रहा था, लेकिन वो न्यूज़ डाउन हो गया है। और अभी यह न्यूज़ निकल गया है कि ओबेचे आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ओबेचे के साथ कॉन्फर्म, ये न्यूज़ कॉन्फर्म ही होने वाला है। शायद ओबेचे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में ज़रूर वापस आएगा। अगर फेडेरिको गायगो भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आ गया तो आप सभी को फिर से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में गायगो एंड ओबेचे के जोड़ी देखने के लिए जरूर मिलेगा। क्या आप सभी फिर से देखना चाहते हैं ओबेचे एंड गायगो का जोड़ी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं भी चाहता हूँ कि फेडेरिको गायगो फिर से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आ जाए और हमें भी देखना है स्टेडियम में जाकर फेडेरिको और ओबेचे की जोड़ी। मैं भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप सभी क्या आप फेडेरिको गायगो का फैन है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और शायद नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ज़रूर ट्राई करेगा गायगो को, क्योंकि अभी वो 100% फिट है। और अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नहीं साइन करेगा तो आप सभी को तो या क्या कोई क्लब में फेडेरिको गायगो को ज़रूर देखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि उन फेडेरिको गायगो ने ही पता है कि वो इंडिया में ही अपना करियर कंटिन्यू करेगा, शायद आईएसएल या आई लीग के कोई क्लबों की तरफ से। अब ये वो र्यूमर के दर पर निकल रहा है, अगर उसके बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़ निकलेगा तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूँगा। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इंडियन फुटबॉल के बारे में उन सभी को भी बताइए, आईएसएल के बारे में बताइए, हमें इंडियन फुटबॉल को
इंडियन क्रिकेट के साथ कंपैरिजन करना ही है और हमें इंडियन फुटबॉल को वर्ल्ड क्लास लेवल में ले जाना है और उसके लिए मैं अकेले नहीं, आप सभी का भी मदद चाहिए मुझे। मैं वीडियो बनाऊंगा, आप सभी बात शेयर करते रहिए, उन सभी लोगों को भी पता चलिए कि इंडियन फुटबॉल क्या है। तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिए और चैनल पे अगर पहली बार आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जरूर बेल आइकन को जरूर दबाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल्स स्माइल।